पटना वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे और कार्यक्रम का आयोजन रांची में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद ट्रेन पटना के लिए रवाना होगी। वही कार्यक्रम को लेकर चहल पहल बढ़ गई है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन रांची रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और साथ ही परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, जेएमएम सांसद बहुआ माझी, बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, सांसद संजय सेठ, सांसद जयंत सिन्हा, सांसद अन्नपूर्णा देवी भी पहुंच गई हैं। Great milestone in the technological development of our country. We have seen the old trains, old railway stations. The Swachh Bharat has made every railway station neat and clean. Everybody was thinking it is impossible, that is possible. Now the advanced technology like Vande Bharat is serving the Indian citizens, and it is giving a confidence in the minds of the young people that India is marching ahead. India can invent anything. तो पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे और तमाम तैयारियां रांची जंक्शन पर कर ली गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पंडाल लगाया गया है और इस पंडाल में तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद है। साथ ही साथ अगर बात करें तो झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन जब पहुंचे तो उन्होंने ट्रेन के अंदर जाकर बच्चों से मुलाकात की, उन्हें चॉकलेट दिया और साथ ही कशिश न्यूज से बातचीत में राज्यपाल ने यह भी बताया कि अगर इस ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है और इसके साथ ही स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि साफ सफाई भी हर एक नागरिक का कर्तव्य है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये बड़ी सौगात जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है ये काबिले तारीफ है और अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। लगातार तस्वीरें हम आपको कशिश न्यूज पर दिखा रहे हैं। रांची में प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर भव्य पंडाल बनाया गया है और सभी नेता सांसद पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम शुरू हो गया है और बस इंतजार है उद्घाटन का। आपसे कुछ ही मिनटों में पीएम मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे और उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद आम लोगों के लिए ट्रेन का परिचालन 28 जून यानी कि कल से शुरू हो जाएगा। वहीं किराए की भी अगर हम बात करें तो देखिए ज्यादा अंतर नहीं है, चाहे वो चेयर कार की हम बात करें तो लमसम 1000 के आसपास जो किराया है वो तय किया गया है ताकि यात्रियों को तमाम सुविधा मिल सके। रांची से पटना के लिए चेयर कार का किराया 1175 है, वहीं पटना से रांची के लिए चेयर कार का किराया 125 है। तो तमाम जो तैयारियां हैं अब वो की गई है। और इस वक्त रांची से संवाददाता मरगोबालम साथी झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों के पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं मनोज जी का। मनोज जी देखिए ये बड़ी सौगात है झारखंड वासी और बिहार वासी के लिए और अब से कुछ ही मिनटों में इसका उद्घाटन होना है। कैसी चहल पहल और क्या तस्वीर इस वक्त की? देखिए कैसी चहल पहल है और क्या उत्साह, क्या उमंग है, यह हम अपने शब्दों में क्या बयां करें। हम कैमरों के से दिखाते हैं हम आपको कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम लोग, पक्ष और विपक्ष के तमाम जो नेता है यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि राज्यपाल हैं, राज्यपाल के ठीक बगल में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, उनके बगल में दीपक प्रकाश है जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके बगल में संजय सेठ है, सीपी सिंह है, रेलवे बोर्ड की जो यहाँ महाप्रबंधक है अर्चना जोशी वो हैं। इसके अलावा अगर हम इधर राज्यपाल के अगर हम दाहिने साइड में देखें तो चंपई सोरेन है जो सरकार के मंत्री हैं और यहाँ पे सरकार के तरफ से प्रतिनिधित्व करें। उनके बगल में महुआ माझी हैं जो जेएमएम की राज्यसभा सांसद है, उनके बगल में
आदित्य साहू हैं जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हजारीबाग के सांसद हैं जयंत सिन्हा, और गिरिडीह के सांसद जो है चंद्र प्रकाश चौधरी है, और रांची के रेल मंडल के DRM है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे काफ़ी उत्साहित जो है वो नज़र आ रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मी जो है इस क्षण को अपने कैमरे में कैद करने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है, और इतनी इससे ज़्यादा भीड़ जो है वो ट्रेन के अंदर है। मैं यहाँ पर दिखाऊँ कि ट्रेन जो है वहाँ लगी हुई है, अब से थोड़ी देर में यहाँ पे जो ट्रेन है वो चलेगी यहाँ पे। और कितनी खुशी है, और कितने दिनों से ये डिमांड थी। हमारे साथ में रेलवे के जो DRCC के मेंबर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी पुरानी मांग, आप लोग लगातार जो रेलवे बोर्ड की जो बैठक होती है यहाँ पे, जब DRCC की बैठक जो होती थी उस पर आप लोग उठाते रहते थे, कितनी पुरानी मांग थी, और आप आज कैसा लग रहा है इस? बहुत अच्छा, सुखद लग रहा है कि कम से कम इस रूट पर ट्रेन तो चली। ये तो बहुत सारे इलाका ऐसे थे जो बिना ट्रेन के थे, आप समझ लीजिए गया से लेकर के कोडरमा, हजारीबाग और बीच में जितने भी रहते, सब जगह के निवासी बहुत तरसते थे ट्रेन देखने के लिए। ट्रेन देखने के लिए उन लोगों को और कहीं जाना पड़ता था। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि वो भी एक अच्छी ट्रेन से शुरुआत हो रही है, वंदे भारत के माध्यम से इस पे चलेगी। और हम लोग का जो मांग, अभी हम लोगों ने एक नया मांग भी दिया है कि इस रूट पर, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत लोग रहते हैं और इसका जितना भाड़ा उसके हिसाब से, तो मेमू भी चलाया जाए अल्टर टाइम में, लगता है उसकी भी पूर्ति होगी। और भी डिमांड है, देखिए अगर इच्छाओं की बात करें तो चूंकि इस क्षेत्र में जिस रूट से ये चल रही है, इस रूट में कोई ट्रेन नहीं चली थी, ये पहली बार चल रही है। एक ट्रेन चला करती थी वो रात में, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये उधर का जनता के लिए, हम लोग के लिए भी सुविधा हुआ, हम लोग को भी घर जाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत सुविधा हुआ। देखिए यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं, स्कूली बच्चे, मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आज इस ट्रेन में सफर भी कर रहे हैं और यहाँ पे आए भी हैं। कैसा लग रहा है इस समारोह में शामिल होने का? काफी अच्छा लग रहा है। आपको मौका नहीं लगा ट्रेन में जाने का? हाँ, हम लोग गए थे इंटरव्यू लेने ट्रेन में, काफी अच्छा सुविधा दिया हुआ है ट्रेन में। आप बताइए कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें इस अवसर पर, और हम लोग को पास तो नहीं मिला ट्रैवल करने का, बट हाँ हम लोग अंदर गए थे, हम लोग फैसिलिटीज सारा देखे, काफ़ी लोग जो डिग्निटीज को अंदर स्पेस मिला है वो सारा जगह भी देखे हम लोग, और काफी अच्छा ट्रेन है ये, और बहुत अच्छी शुरुआत, काफी अच्छी ट्रेन है। और आप बिल्कुल, देख सकते बिल्कुल मनोज जी आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त संवाददाता मरगूब आलम भी हमारे साथ बने हुए हैं। मरगूब, आपने इस ट्रेन में सफर किया है, आपने अनुभव किया है, और इस वक्त आप ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, कुछ लोग भी हैं वहां, क्या तस्वीरें, और बातचीत कीजिए सभी से। देखिए बस अब शुभारंभ होने जा रहा है वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन का। मैं जिस बोगी में हूं उस बोगी में सिर्फ पत्रकारों का दल है जी, आम लोग नहीं है। और आम लोग इस बार इधर यहाँ से जो ट्रेन जा रही है ये इनॉग्रेशन ट्रेन है, इसमें आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंध है। सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों का दल जा रहा है, अधिकारियों का दल जा रहा है, बाकी कोई लोग नहीं जा रहे हैं। हम आपको वैसे बोगी की स्थिति दिखा देते हैं, देखिए किस तरीके से है। और अब बस डोर क्लोज कर दिया गया है और ट्रेन यहाँ से बस चंद मिनट का मैं मतलब बता रहा हूँ, किसी भी समय, चंद सेकेंड भी हो सकते हैं, किसी भी समय ट्रेन यहाँ से फ्लैग ऑफ होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ बस करने वाले हैं और ट्रेन यहाँ से चलने वाली है। पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन जिस समय चलेगी उस समय भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे और किस तरीके से है। यहाँ देखिए रेलवे स्टेशन, जो स्टेशन है वहाँ भीड़ है, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। देखिए डोर को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है, अब कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, ना तो कोई व्यक्ति अंदर आ सकता है, डोर पूरी तरह से क्लोज है। और अब यहाँ आप देख सकते हैं बस अब ट्रेन चलने वाली है। बिल्कुल मरगूब, चूंकि अब से कुछ ही मिनटों में फ्लैग ऑफ होने वाला है, तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को जो सुविधाएं मुहैया कराई गई है इस ट्रेन में वो भी कैमरे के माध्यम से एक बार फिर दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए हम आपको सबसे पहले दिखा रहे, देखिए ये जो पहले सबसे पहले आप डोर समझिए, ये डोर ऑटोमेटिक है, अब ये डोर बंद हो गया, ये आप किसी परिस्थिति में नहीं खुल सकता है जब तक यहाँ मौजूद कर्मचारी इसे नहीं खोले। दूसरा यहाँ देखिए ये फर्स्ट एड है, ये फर्स्ट एड किट है, आपको जो भी व्यक्ति हैं उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो रेलवे के कर्मचारी हैं वो इन्हें फर्स्ट एड किट
देंगे और उससे रूबरू कराया जाएगा। दूसरा आप देखिए यहाँ जो व्यवस्था की गई है ये पूरी व्यवस्था हाई टेक्नोलॉजी व्यवस्था है। यहाँ सभी तरीके से यहाँ जो इस बॉगी के अंदर जो कई इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं वो यहाँ लगाए गए हैं, अब देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से हैं। साथ ही साथ यहाँ टीवी लगाया गया है, यहाँ देख सकते हैं टीवी है रांची के, देखिए देश के माननीय प्रधानमंत्री और कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं। और फिलहाल यहाँ अब बस कुछ ही चंद सेकंड में देश के माननीय प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन का कह सकते हैं कि फ्लैग ऑफ यहाँ का जो कार्यक्रम है आप देख सकते हैं। अब 22/0/24/39 रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की का शुभारंभ बस हो रहा है। यहाँ से ये ट्रेन लगभग 6 घंटे के आसपास पटना पहुँचेगी और पटना से जब रांची आएगी तो उसका भी समय वही है, उसी के आसपास वो पटना से रांची आएगी। तो बिल्कुल शुभारंभ हो चुका है, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से है। क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पत्रकारों का दल है और हमने कई लोगों से बातचीत की, उन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही धन्यवाद दिया कि किस तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा तोहफा कह सकते हैं दिया है। यहाँ देखिए हम आपको ये नज़ारा दिखा, देखिए यहाँ लाइव टेलीकास्ट ट्रेन के अंदर भी होने जा रहा है, टीवी पर ये लाइव टेलीकास्ट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के है। और रांची पटना आप देख सकते हैं 20/4/39 ये ट्रेन है, ट्रेन का नंबर है वंदे भारत एक्सप्रेस का। यहाँ देखते हैं इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और अब कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस ट्रेन का बस शुभारंभ चंद मिनट में इस ट्रेन का शुभारंभ होने जा रहा है, प्लग ऑफ होगा। अब बिल्कुल वो घड़ी नज़दीक है और नजदीक खड़ी का के गवाह हम भी बने हैं, रश्मि आप भी बने हैं, हमारे कई रिपोर्टर्स बने हैं, रुचि शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे झारखंड कोऑर्डिनेटर मनोज बने हैं। तो अब अत्याधुनिक सुविधाओं से ये पूरा ट्रेन लैस है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ हम आपको दिखाना, देखिए यहाँ जो व्यवस्था है अमूमन ट्रेन में व्यवस्था यहाँ होती है चार्जर की, लेकिन ये देखिए अब चार्ज अगर आपको करना है तो आपके पैर के नीचे ये चार्जर दिया गया, वहाँ आप उसमें चार्ज का पिन लगाए और अपने हाथों में मोबाइल रखें, आपको कहीं कह सकते हैं कि झुकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम चाहेंगे कि जो स्क्रीन है वहां पर जिस पर प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी ही देर में उद्घाटन करने वाले हैं, आप वो स्क्रीन हमें दिखाइए कैमरे के माध्यम से। देखिए ये देखिए लाइव है, या आ गए हैं देश के प्रधानमंत्री, नितिन गडकरी भी है उनके साथ है, फ्लैग ऑफ होने जा रहा है रश्मि जी। देखिए फ्लैग ऑफ होने जा रहा है और अब वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ बस चंद सेकंड में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल उनके साथ मौजूद हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं और हमें वो तोहफा मिल गया जिसका बहुत दिनों से इंतजार था और वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ होने जा रहा है। गवाह 024/39 ट्रेन, यह ट्रेन का नंबर है और हम उसके गवाह बने। अब बस बने रहिए आप हमारे साथ चंद सेकंड के बाद यह ट्रेन कह सकते हैं रांची से प्लेटफॉर्म नंबर 1 को छोड़ने वाली है। सब कुछ तैयारियां हैं, पूरे अधिकारी तैयार हैं, सुरक्षाकर्मी तैयार हैं, जैसे ही देश के माननीय प्रधानमंत्री वहां फ्लैग ऑफ करेंगे ट्रेन के गार्ड ट्रेन को सिग्नल देंगे, उस ट्रेन को ट्रेन के जो कह सकते हैं कि ड्राइवर है उस सिग्नल को तुरंत प्राप्त करेंगे, तुरंत लेंगे और उसके बाद ट्रेन सीटी देते हुए सीधे धीरे धीरे कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलेगी और निकलते हुए सीधे ये ट्रेन पटना के लिए रवाना होगी। हम आपको बता रहे हैं कि इस ट्रेन में कई अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं, मंगलवार को यह ट्रेन नहीं चलेगी मेंटेनेंस की वजह से और सभी दिन सप्ताह में ये ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन का रांची से पटना और पटना से रांची आने और जाने दोनों का समय 6 घंटे का है, 6 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद अब यहाँ देखिए लोगों की भारी भीड़ है और लोग उत्सुक हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस कब प्लेटफॉर्म छोड़ती है।
वंदे भारत एक्सप्रेस, ये देखिए देखिए देखिए, देश के प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और अब रश्मि बने रही है महज जी, हमारे पास जो जानकारी है लगभग एक मिनट के अंदर में फ्लैग ऑफ होने जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री एक बड़ा तोहफा बिहार झारखंड के लोगों को देने जा रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जो रांची से पटना चलेगी, पटना से रांची चलेगी, उसका शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ अब डोर क्लोज कर दिए गए हैं और कहा जा सकता है कि अब बिल्कुल तोहफा मिलने जा रहा है। देखिए ट्रेन से निकल गए हैं देश के प्रधानमंत्री, उनके साथ रेल मंत्री भी मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इसके साथ ही उनके साथ मौजूद हैं कह सकते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है रश्मि, वो घड़ी जिस घड़ी बिल्कुल मरगूब, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और तस्वीरें आप दिखाते रहिए कैमरे के माध्यम से मरगूब। और चूंकि इस वक्त मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज जी बस कुछ ही सेकंड का इंतजार बाकी रह गया है, बस फ्लैग ऑफ होने वाला है और ये ट्रेन रांची से पटना के लिए रवाना। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अब कुछ सेकंड्स रह गए हैं, ठीक 10:45 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फ्लैग ऑफ करेंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेन के ठीक इंजन के आगे जो है राज्यपाल और तमाम जो सांसद मंत्री विधायक जो लोग हैं सारे लोग यहाँ पे आप खड़े हो गए हैं यहाँ से झंडी दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं सबसे स्पष्ट तौर पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम लोग जो है बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब जो ट्रेन में यात्री बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे आए हैं। वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करेंगे तो भारत में स्वदेश में निर्मित अपनी तरह का यह पहला ट्रेन है जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है एक तरह से कहा जाए, जो राज्यवासियों की जो बुलेट ट्रेन पर चढ़ने की इच्छा थी वो कुछ हद तक पूरी होती इससे नज़र आती है, क्योंकि ये ट्रेन जो है हाई स्पीड है, इसकी अधिकतम स्पीड जो बताई गई है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और पटना से रांची लगभग 400 किलोमीटर की दूरी जो है। बिल्कुल मनोज जी आप बने रहिए और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है ट्रेन को, तो बड़ी सौगात झारखंड वासी और बिहार वासियों के लिए, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है, फ्लैग ऑफ किया है और रांची से पटना के लिए ये ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई है, रांची जंक्शन से खुली है। तो ये तस्वीरें बिल्कुल, तो बिहार झारखंड को बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता मरगूब आलम साथी मनोज जी हमारे साथ बने हुए हैं। अब मनोज जी उत्साह काफी ज्यादा है और जिस घड़ी का इंतजार था वो पल बस आ गया है। जी बिल्कुल, काफ़ी उत्साह है यहाँ के लोगों में, काफ़ी उमंग है, जो तमाम जो लोग हैं इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे एक तरह से कहा जाए तो। राज्यवासियों को एक बड़ी सौगात जो है आज वंदे भारत ट्रेन के रूप में मिल रही है। इस ट्रेन से खास करके पटना जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छी ट्रेन हो गई है। दूसरी बात यह है कि ये जिस रूट से चलाई जा रही है उस रूट में जो है अमूमन ट्रेनें नहीं, यात्री सवारी अभी नहीं चल रही थी, चूँकि यह नई रूट बनी है हाल ही के दिनों में। और मैं बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस रेल लाइन का शिलान्यास किया था और उसके बाद इस पे लगातार काम चलता रहा, कई अड़चने भी आई, अंततः यह पूरा हुआ और इस पे एक ट्रेन जो है पटना से रांची और रांची से पटना चलती है, वो देर रात चलती है यहाँ पे बरका गाना होते हुए। और ये इस रूट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो मेसरा होकर के जो जाने वाली यह रूट है उसकी यह अपने आप में यह पहली यात्री ट्रेन है जो
चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी एक झारखंड के लिए कहे तो देश का जो गौरवशाली ट्रेन जो है वंदे भारत, उसके परिचालन को लेकर के यहाँ पे शुरू हो रहा है। और अगर हम ट्रेन के शेड्यूल की बात करें तो रेलवे ने शेड्यूल जारी किया है, यह पटना से प्रतिदिन चलेगी, सिर्फ मंगलवार को छोड़कर सुबह 7 बजे। और पटना से चलने के बाद इसका स्टॉपेज, पहला स्टॉपेज जो होगा गया होगा, वो 8:35 में चलेगी, फिर वहाँ से ये 9:35 में खुलेगी और उसके बाद ये कोडरमा पहुँचेगी 8:35 में खुलने के बाद 9:17 में, और फिर कोडरमा से हजारीबाग टाउन के बाद फिर बड़काकाना, फिर मेसरा और अंततः रांची जो है ये 1 बजे पहुँचेगी। फिर यहाँ से अगर हम बात करेंगे रांची से 4:15 बजे शाम में यहाँ से खुलेगी, और पटना जो है इसी तरीके से जो 5 स्टेशन है मिश्रा, बड़काकाना, हजारीबाग, कोडरमा, गया होते हुए इस 5 स्टेशन को पार करने के बाद पटना पहुँचेगी रात 10:05 पे। तो एक तरह से कहा जाए कि पटना से सेम डे आ करके यहाँ कोई काम करके सेम डे लौटना जो है अब आसान हो गया है लोगों के लिए, और एक हाई स्पीड ट्रेन है। अगर हम ट्रेन में सुविधाओं की बात करें, जैसे हमारे सहयोगी मरगूब भी बता रहे थे कि विश्व स्तरीय सुविधाएं जो हैं इसमें दी गई हैं, हर सीट के नीचे जो है वो मोबाइल को चार्ज करने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इसका जो गेट है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक है, जिस तरीके से हम मेट्रो में चलने का जो अनुभव पाते हैं लगभग उसी तरह का अनुभव जो है इस ट्रेन में चढ़ने के बाद यात्रा के दौरान यात्रियों को मिलेगा। और ये ट्रेन जो है विधिवत तरीके से कहा जाए तो 28 तारीख से यानी कि कल से शुरू हो जाएगी यात्रियों के लिए। आज जो है, आज यहाँ से जो ट्रेनों का परिचालन हो रहा है इसमें सिर्फ विशेष लोग, वैसे लोग हैं जिन्हें रेलवे ने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है, स्कूली बच्चे हैं वो इसमें सफ़र कर रहे हैं, कुछ शिक्षक हैं, उसके अलावा गणमान्य लोग हैं। और जो हमारे पास जो जानकारी मिल रही है, इस जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन में राज्यपाल और जो तमाम जो यहाँ पे सांसद, मंत्री, विधायक जो आए हैं वो भी कुछ दूरी की यात्रा करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि इस यात्रा के अनुभव को हर कोई महसूस करना चाहता है। और अब चूंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है झंडी दिखाकर 4 जो और दूसरे भी ट्रेनें हैं उसको भी शुरुआत करने जा रहे हैं, और उसी के करीब में ये मिलने जा रहा है। आप इसमें जो बच्चे आए हैं उनसे जब हमारी टीम ने बात की तो बच्चों ने काफ़ी जो है खुशी जाहिर की, एक तरह से उनका उत्साह और उमंग जो है वो देखने को था। सबसे बड़ी बात है कि एक नई ट्रेन की शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री के यहाँ तो इसको झंडी दिखाया जा रहा है, तमाम डिग्नेटरी जो है, राज्यपाल खुद यहाँ मौजूद हैं, तमाम मंत्री विधायक यहाँ पे मौजूद है, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक अद्भुत क्षण है यहाँ के झारखंड वासियों के लिए, गौरव का क्षण है, और उस गौरव के क्षण में वो बच्चे जो हैं गवाह बन रहे हैं, इस पहली सफर के वो यात्री हैं, तो उनका उत्साह जो है वो काफ़ी जो है देखने को मिल रहा है। तो हमने भी अभी कई बच्चों से बात की और वो जो बच्चे नहीं जा सके हैं, जिन्हें मौका नहीं मिला अंदर जाने का, थोड़े मायूस है, लेकिन फिर भी उनके उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं है, वो काफ़ी खुश है कि ठीक है आज नहीं मिला है लेकिन कल के बाद जब यात्रा जो है प्रारंभ हो जाएगी, सही तरीके से यात्री जो है वो चलाने लगेंगे तो अपने आप में ये एक मौका मिलेगा उन्हें इस ट्रेन में सफल करने का। और जो यहाँ पे कुछ लोग हैं हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप बता सकेंगे कि इस ट्रेन में कैसा अनुभव रहा, कैसा लग रहा है आपको? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सभी बोल रहा है कि बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन अभी सौभाग्य नहीं हुआ है कि इस पर चढ़ने का, नेक्स्ट टाइम हम बुकिंग करेंगे, चढ़ेंगे और इसके आनंद लेंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम जो है जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा ये रांची से एक मिल रहा है मौका, कैसा लग रहा है? तो अभी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखिए जो झंडा दिखाने की जो है वो समय करीब आ गया है, और देखिए अब यहाँ पे लोग दिखा रहे हैं, ट्रेन ने विसिल मार दी है आप, और विधिवत तरीके से एक ऐसा क्षण जो ये एक अद्भुत क्षण जिसके हम सीधे तौर पे पूरे देशवासियों को, पूरे राज्यवासियों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये चली, और ये एक अद्भुत सफर और
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सिटी बजाती हुई यहाँ से निकली है, पटना के लिए चली है। और ये विशेष एक अगर कहा जाए ये उद्घाटन समारोह को लेकर के ये विशेष यात्रा है इस ट्रेन का, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करेंगे तो मंगलवार को, चूँकि इसका मेंटेनेंस होना है, मंगलवार को इसका नहीं चलाया जाएगा। और ये एक अद्भुत क्षण जिसमें तमाम जो लोग हैं यहाँ पे हैं, और हम जो लोग हैं जो डिग्निटरी हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। और मैं बता दूं आपको इसमें कि ये एक अद्भुत नज़ारा है, एक ऐसा क्षण है जिसमें तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे जुड़ रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि जब यहाँ से जो सांसद विधायक जो लोग हैं वो जब यहाँ से गुजरे तो हम इनसे भी बात करें और जानने की कोशिश करें कि कैसा अनुभव रहा है। महुआ जी कैसा, आप देख सकते हैं संभवतः ये सारे लोग जो हैं ये ट्रेन में सफ़र करने जाएंगे, इसको लेकर के ये लोग यहाँ से निकले हैं तेज़ी से। और तमाम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से तमाम जो लोग थे किस तरीके से यहाँ सजाया गया था, और सारे लोग जो यहाँ आए थे एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पे है। हम इन लोगों को, हम जो लोग यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आज ये मौका मिला है? ये मौका हम सब भारतीयों के लिए ये खुशी का महोत्सव है, लेकिन ये मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं भारतीय रेल परिवार से जुड़ी हूँ और भारतीय रेल का एक हिस्सा हूँ। वंदे भारत हमारे देश को आज पूरे 23 ट्रेन हो गई हैं वंदे भारत की, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है। बिरसा मुंडा की धरती और रांची से पटना के लिए ये रवाना हो चुकी है। बहुत बहुत सुखद समय है आज का दिन। आप बताइए, आप पूरे सजधज के आई थी आज, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमारा रांची से इतना बड़ा एक कामयाब, मतलब सफलता मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब पहली ट्रेन खुली और वो भी रांची। बिल्कुल मनोज जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी सौगात दी झारखंड वासी और बिहार वासियों को, हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया गया रांची जंक्शन से। बहुत शुक्रिया मरगू बाप का तमाम जानकारी के लिए, साथ ही मनोज जी आपका भी लगातार तस्वीरें साझा करने के लिए। तो आज का दिन बेहद खास, वंदे भारत ट्रेन की सौगात बिहार वासी और झारखंड वासी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है।